मेरा नाम सुमित है और ये घटना मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ जो मेरे साथ मेरे कॉलेज के दिनों में हुई थी। ये घटना साल 2002 की है। हमारा देश इंडिया, यहाँ पर कई सारे किले हैं, इतने सारे कि अगर हम अपने देश का इतिहास पढ़ने जाएंगे तो ऐसे अनेकों किले मिलेंगे जिनके बारे में हमें जानने को मिलेगा। महाराष्ट्र में भी ऐसे कई सारे किले हैं और ऐसे ही किले कई सारे पहाड़ों के पास भी होते हैं जहाँ पर कई सारे ट्रैकर्स भी जाते हैं, स्पेशली मानसून या फिर सर्दियों के मौसम में। और क्योंकि ये किले राजा महाराजा जैसे लोगों के होते हैं तो यहाँ पर अक्सर लंबे लंबे युद्ध और भी काफ़ी सारा खून खराबा इन किलों को देखने को मिला था। और यही कारण है कि कई सारे किले ऐसे भी हैं हमारे देश में जिनको पब्लिकली हॉन्टेड बोला जाता है। दिसंबर का महीना था और हमारे सेमेस्टर एग्ज़ाम्स बस ख़त्म हुए थे। हमारे पास कुछ हफ्ते थे जिसमें हम अपने आप को रिफ्रेश कर सकें और उसके बाद न्यू टर्म की पढ़ाई स्टार्ट कर सकें। हम चार लोग थे, मैं, पारू, निखिल और कन्नू। एक पुराने किले में हम लोगों ने एक रात के लिए ट्रैकिंग करने का प्लान बनाया जो कि एक माउंटेन के पास था। उस पर्टिकुलर किले को चुनने का मकसद यही था कि हमने उसके बारे में काफ़ी सारी बातें भी सुनी थी कि वो जगह शायद हॉन्टेड है। मैं आपको उस किले का नाम और उसकी लोकेशन नहीं बता रहा हूँ, बस मुंबई से कोई 100-150 किलोमीटर की दूरी पर है और ट्रैकिंग करने में नॉर्मली 6-7 घंटे वहाँ पर लग जाते हैं। हम लोगों ने सुबह 7 बजे चलना स्टार्ट करा था और हमने अपने साथ सारा सामान लेकर आए थे जो कि हमारे लिए एक रात वहाँ गुजारने के लिए ज़रूरी था। निखिल गैस स्टोव और खाने वगैरह का सामान लेकर आया था और हम लोगों ने रात के टाइम बारबेक्यू करने का भी प्लान बनाया था। उस टाइम पर यह आइडिया काफ़ी ज़्यादा नया था इंडिया में। आसमान में घटा छा रही थी और मौसम ठंडा हो रखा था जिस वजह से हमें चलते हुए ज़्यादा थकान नहीं हुई। किले के गेट पर हम दोपहर में 1 बजे तक पहुँच गए थे। उस टाइम पर वहाँ पर कुछ और लोग भी थे जो कि ट्रैकिंग के लिए ही वहाँ पर आए थे। वो लोग काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली लोग थे और हम लोगों ने उनसे काफ़ी ज़्यादा बातें करी। उन्होंने बताया कि वो यहाँ पर पहले भी कई बार आ चुके हैं बट हमेशा वो सूरज डूबने से पहले वहाँ से चले जाते हैं। बट जब हमने उन्हें बताया कि हम वहाँ पर रात में रुकने के लिए आए हैं तो उन लोगों के चेहरे पर हमने फिक्र साफ देखी। उन लोगों ने वही बातें हमें याद दिलाई। आप लोगों को पता है ना कि यहाँ पर हॉन्टिंग्स और आत्मा वगैरह देखे जाने की घटनाएँ होती रहती हैं। हमने कहा कि हाँ हमें पता है और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि हम वहाँ पर रुकना चाहते हैं तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपको रुकना ही है तो किले के बाहर दूसरी साइड पर जो मंदिर है उसमें शरण लीजिएगा और वहीं रहिएगा। उस जगह को पूरी जगह से सेफ माना जाता है। एक बार जब हम किले पर पहुँचे तो हमने देखा कि आसपास का नज़ारा काफ़ी ज़्यादा शानदार था और खूबसूरत भी। पहले हमने लंच करा और उसके बाद इधर उधर घूमने लगे। वो किला काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और काफ़ी सारी हिस्टोरिकल चीज़ें भी हमें वहाँ पर देखने को मिली। किले के पीछे वाली साइड पर हम लोगों ने एक तालाब को भी देखा। धीरे धीरे शाम के 6 बज चुके थे और सूरज लगभग डूब ही गया था। वो ट्रैकर्स जो कि हमसे पहले वहाँ पर मौजूद थे वो लगभग 1 घंटे पहले ही जा चुके थे। हम लोगों ने उस मंदिर के पास में ही अपना छोटा सा कैंप लगाया और बाकी की तैयारियाँ करने लगे। उसी टाइम पर मेरे फ्रेंड्स को एक काफ़ी ज़्यादा अजीब और मेरे हिसाब से बेकार आइडिया आया और वो ये कि वो कह रहे थे कि चलो चल के उस तालाब में स्विमिंग करते हैं। हालांकि मैं एक अच्छा खासा स्विमर था बट उस तालाब की वजह से मेरा वहाँ पर जाने का मन नहीं था। पहली बात तो उसके पानी का कोई भरोसा नहीं था कि वो कैसा था और दूसरी बात अंधेरा भी हो चला था। इसी वजह से मैं उनके साथ पानी के अंदर नहीं गया और वहीं पर किनारे पर जाकर बैठ गया जबकि वो लोग अंदर पानी में मज़े कर रहे थे। उन लोगों को मैं पानी के साथ खेलते हुए देख रहा था और तभी एक अजीब चीज़ हुई। कन्नू को ऐसा लगा कि किसी ने उसका पैर खींचा है और वो पानी के अंदर मानो एक पल के लिए डूबने सा लगा। उसने तभी तुरंत जैसे तैसे करके खुद को संभाला और वो काफ़ी ज़्यादा कांप रहा था। वो सीधा पानी के बाहर आ गया और किनारे पर लेट गया। अब भी वो लगातार कांपे जा रहा था। जब उसने हमें बताया तो हम भी सोचने पड़ गए बट हमने उसे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा पैर ज़रूर किसी चीज़ में फंस गया होगा पानी के अंदर। मैंने उस टाइम पर बाकी लोगों को भी पानी से निकलने के लिए कहा ताकि हम वापस चल सकें और खाने वगैरह के लिए तैयारी कर सकें।
जब हम वहाँ से वापस जा रहे थे तो कन्नू ने बताया कि उसे काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है और लगातार कांप रहा था। जब तक हम मंदिर पहुँचे उस टाइम तक उसके दांत भी किटकिटाना शुरू हो गए थे और उसे काफ़ी तेज़ फीवर हो चला था। हम लोग ये देखकर काफ़ी हैरान थे कि कन्नू एक ऐसा लड़का था जो कि नॉर्मली बीमार नहीं पड़ता था और ऐसे अचानक उसके साथ ऐसा होना हमें थोड़ा टेंशन देने वाला था। हमने फौरन ही मंदिर के पास में ही उसके लिए एक बिस्तर लगा दिया। उसके बाद हमने उसे वहाँ पर लिटाया और कंबल दे दिया ताकि उसे गर्माहट मिल सके। उसके बाद हमने अपना डिनर बनाने की सोची। हमने बारबेक्यू का प्लान कैंसिल कर दिया था क्योंकि सभी का मूड अब थोड़ा बेकार सा हो गया था। सारा काम निपटाने के बाद लगभग 10 बजे तक हम लोग डिनर करके फ्री हो गए थे। उसके बाद हम तीन लोग आग के पास बैठकर बातचीत करने लगे और धीरे धीरे बातें उन भूतिया घटनाओं की तरफ जाने लगी जो कि वहाँ पर पहले हो रखी थी। हम लोगों को लग रहा था कि कुछ तो गलत है यहाँ पर शायद, और हमें उसी बारे में फिक्र भी हो रही थी। हम लोग बात कर ही रहे थे और धीरे धीरे वक्त बीतने लगा और हम निखिल के बारे में भूल गए। अब जब मेरी नज़र अपने हाथ में घड़ी पर गई तो मैंने देखा कि रात के 11:45 हो गए थे और निखिल को गए हुए लगभग 1 घंटा हो गया था और वो वापस नहीं आया था। उसके इस बिहेवियर से काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर और गुस्से में हम दोनों ही उसको ढूंढने के लिए निकल गए। जब हम तालाब के पास गए तो हमने देखा निखिल तालाब के पास ज़मीन पर लेटा हुआ है। दूर से देखने पर तो ऐसा लग रहा था कि शायद वो वहाँ पर बेहोश हो गया है या सो गया है, पर जब हम उसके पास गए और उसके चेहरे को हमने देखा, यकीन मानिए उस टाइम पर मुझे जो डर महसूस हुआ वो मैं कभी नहीं भूल सकता। वो वहाँ पर लेटा हुआ था, उसकी आँखें पूरी तरीके से खुली हुई थी, एक एवरेज इंसान से काफ़ी ज़्यादा, और वो सीधा आसमान की ओर घूर रहा था। उसके होंठ कंटिन्यूसली हिल रहे थे मानो वो कुछ बड़बड़ा रहा है, बट हम वो सुन नहीं पा रहे थे। हम लोग काफ़ी डर गए और हमने उसे तेज से हिलाना शुरू करा ताकि वो होश में आ सके, और भगवान की कृपा से वो होश में आ भी गया और अब वो बिल्कुल ठीक लग रहा था। बट अब उसे काफ़ी ज़्यादा पसीना आने लगा और उसने हमें बताया कि उसके साथ क्या हुआ। उसने बताया कि जब वो मंदिर के एरिया से बाहर आया और तालाब की तरफ आया, जैसा कि उसने सोचा था, उसने सिगरेट निकाली और उसे जलाकर पीने लगा। तभी उसे एकदम से ही ऐसा लगने लगा कि वो वहाँ पर अकेला नहीं है और कोई चीज़ उस पर नज़र रख रही है। उसने अपने डर को एक साइड करा ये सोचते हुए कि शायद वहाँ पर कोई छोटा मोटा जानवर होगा, और वापस से अपने सिगरेट के मज़े लेने लगा। एक और बात उसके मन में जो आई वो ये कि शायद पारू या मैं वहाँ पर आए हैं और उसके साथ प्रैंक कर रहे हैं, इसलिए उसने अपने पास होने वाली इस हलचल को इग्नोर कर दिया। और तब मुश्किल से 1 या 2 मिनट के बाद उसे अपनी गर्दन पर एक काफ़ी ज़्यादा ठंडा हाथ महसूस हुआ। वो जैसे ही पीछे मुड़ा उसके होश उड़ गए क्योंकि उसके पीछे एक औरत खड़ी थी जिसने एक लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। उसका फेस पूरी तरीके से डिसफिगर्ड था, बहुत ही ज़्यादा गंदी हालत में, बाल आधे थे और आधे झड़ गए थे मानो। इसके अलावा उसके चेहरे पर एक बहुत भयानक स्माइल थी और वो उसे घूर रही थी। उसके बाद उसे कुछ नहीं याद था कि उसके साथ क्या हुआ। उसके बाद सीधा उसे तब होश आया जब हमने उसे उठाया। जब हमने उसकी गर्दन पर देखा तो वहाँ पर 3 उंगलियों के निशान थे जो कि साफ दिख रहे थे। हम लोग भी डर चुके थे और बिना टाइम बर्बाद करे हम लोग सीधा मंदिर की तरफ भागने लगे। जब हम मंदिर पहुँचे तो ये देखकर हमें एक पल को राहत मिली कि कन्नू आराम से सो ही रहा था। मैंने अपनी घड़ी देखी तो 12:30 बज रहे थे। हम सभी लोग इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे जो हमने देखा था। हम लोग अब सोने का प्लान करने लगे, बट तभी मंदिर का जो गेट था वहाँ पर से हमें किसी के दरवाजे को खटखटाने की आवाज़ आने लगी। हमारे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं थी ये देखने की कि ऐसा कौन कर रहा है, बट अब धीरे धीरे ये आवाज़ काफ़ी ज़्यादा तेज़ होने लगी और हमारा डर बढ़ने लगा। पहले तो ये आवाज़ बस एक दरवाजे की साइड से आ रही थी, बट धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि मानो कई सारे लोग अलग अलग दरवाज़ों और खिड़कियों के पास अपने हाथ से मारकर वो आवाज़ कर रहे थे। और अब धीरे धीरे हमें किसी औरत की आवाज़ आने लगी और वो औरत हम लोगों को मराठी में गाली दे रही थी। निखिल ने डरते डरते बस थोड़ा सा देखने की कोशिश करी कि बाहर कौन है, बट ये देखकर उसके होश उड़ गए कि सामने कुछ भी नहीं था, लिटरली वहाँ पर कोई नहीं था, बट आवाज़ अब भी क्लियरली आ रही थी। लगभग 20 मिनट तक ये आवाज़ कंटिन्यूसली आती रही।
और उसके बाद एकदम से सब कुछ शांत हो गया। जब हमने सोचा कि शायद अब ये सब खत्म हो गया है, तभी ये सब दोबारा शुरू हो गया। इस बार ये आवाज़ें और गालियाँ काफ़ी ज़्यादा तेज़ आवाज़ में थी। लगभग अगले 45 मिनट तक यही सब चलता रहा और उसके बाद शांति छा गई। हम लोग बहुत ज़्यादा सच में घबराए हुए थे। बस ऐसा ही लग रहा था कि मानो उस मंदिर में मौजूद भगवान जी ही थे जो कि अब तक उन चीज़ों से हमारी रक्षा करे हुए थे, वरना हमारा अब तक न जाने क्या हाल हो गया होता। बस एक ही बात जो हमारे मन में आ रही थी वो ये कि यहाँ से हम सुरक्षित घर पहुँच जाएँ। हम लोग लगातार अब भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हमें कुछ भी ना हो। धीरे धीरे समय बीतता गया और सुबह के 6 बज गए। उस टाइम पर हमें बाहर से एक आदमी की आवाज़ आई। उसने हमें बाहर आने को बोला। डरते डरते जब हमने बाहर देखा तो ये देखकर हमें बहुत राहत मिली कि वो और कोई नहीं बल्कि उस मंदिर के पुजारी जी थे जो कि सुबह होने के कारण मंदिर आए थे। वो हम लोगों को यहाँ पर देखकर इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए थे क्योंकि वहाँ पर रात के वक्त कोई नहीं रुकता था। हम लोगों ने अपने साथ हुई सारी घटनाएं उनको बताई और उन्होंने भी बताया कि हम अकेले नहीं थे जिनके साथ वहाँ पर ऐसी घटना हुई। उन्होंने भी ऐसे कई लोगों को देखा और सुना है जिनके साथ ऐसी घटना वहाँ पर हुई है। उन्होंने बताया कि हालांकि वो उस जगह पर अपने बचपन से आ रहे हैं बट उनके साथ कभी भी वहाँ पर कुछ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस उन्होंने दूसरों के साथ ऐसा होते हुए देखा है। इसके अलावा हम सब लोगों में भी एक कन्नू था जिसके साथ बस एक ही बार एक घटना हुई और उसके बाद वो पूरी रात आराम से सोता रहा, उसे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। इवेंचुअली हमने सुबह उसे उठाया तो वो फिट था और उसकी तबीयत भी ठीक थी। हम लोगों ने फौरन वहाँ से अपना सामान वगैरह पैक करा और वापस जाने के लिए वहाँ से निकल गए। बट निखिल का पर्सपेक्टिव पैरानॉर्मल और भूतिया चीज़ों के लिए इस एक घटना से बहुत ज़्यादा बदल गया। उसके गर्दन पे मौजूद वो 3 निशान उसको ज़िंदगी भर का सबक दे चुके थे। खैर लगभग एक हफ्ते के बाद वो निशान खुद ही गायब हो गए। बट कन्नू को वो बात बिल्कुल भी याद नहीं थी, वो बात भी जो कि उसने हमें खुद बताई थी कि वो वहाँ पर गया था और उसने वो औरत देखी थी। कन्नू और मैं आज भी अक्सर जब मिलते हैं तो उस रात के बारे में बात करते हैं और सोचते हैं कि अगर उस रात हम उस मंदिर के एरिया में नहीं होते तो हमारे साथ वहाँ पर क्या हो जाता। वो तो शुक्र है उन कैंपर्स का जिन्होंने हमें वहाँ पर रुकने के लिए कहा था, वरना शायद हम आपको ये घटना बताने के लिए भी ज़िंदा नहीं रहते। बढ़ते हैं अब आज की अगली कुछ घटनाओं की तरफ जो कि हमें बताई है हमारे सब्सक्राइबर अभय ने। जानते हैं उनकी स्टोरीज को उन्हीं के शब्दों में। मेरा नाम अभय है और मैं यूपी का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको अपनी लाइफ में घटी 3 बिल्कुल सच्ची घटनाएं बताने जा रहा हूँ। बात करूँ फर्स्ट इंसिडेंट की तो ये जिस जगह के बारे में बात है मैं आपको उस प्रॉपर्टी की डिटेल्स नहीं बता सकता। ये बात 2013 की है। तब पढ़ाई के सिलसिले में मैं बाहर गया हुआ था और रेंट पर रहने के लिए घर ढूंढ रहा था। काफ़ी सारा ढूंढने के बाद मुझे फाइनली एक घर मिल गया। घर काफ़ी बड़ा था और हैरानी की बात ये थी कि घर का किराया उस घर के हिसाब से काफ़ी कम था। हम लोगों को वो घर बहुत ज़्यादा पसंद आ गया और हम भाई बहन वहाँ पर शिफ्ट हो गए। अजीब बात बस यही थी कि जब हम वहाँ पर शिफ्ट हो रहे थे उस टाइम पर उस कॉलोनी में रहने वाले बाकी लोग हम लोगों को बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से देख रहे थे, मानो हम लोग कोई गलती कर रहे हों। हम लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमने भी इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। इसके बाद इंसिडेंट्स वहाँ रहने के एक ही दिन के बाद शुरू हो गए थे। हम लोग जब घर की थोड़ी सफाई वगैरह कर रहे थे तो हमें काफ़ी ज़्यादा अजीबोगरीब सामान मिला वहाँ से, जिनमें सबसे अजीब थी एक गुड़िया। वो गुड़िया एक काले कपड़े में लिपटी हुई थी जिसे हमने बाद में फेंक दिया था। उस गुड़िया के जैसे ही एक तस्वीर आपको भी स्क्रीन पर दिख रही होगी, वो गुड़िया भी ठीक इसी प्रकार की थी। काम वगैरह करने के बाद हमने खाना खा लिया और उसके बाद सोने के लिए जाने लगे। बट तब वहाँ पर पहली ही रात में मेरे साथ जो हुआ वो सोचकर आज भी मैं डर जाता हूँ। उस घर में 4 काफ़ी बड़े कमरे थे बट स्टिल हम लोग एक कमरे में सोए हुए थे। रात के लगभग यही कोई 3 बजे के आसपास में मेरी आँख खुली थी और आँख खुलने का कारण था एक आवाज़। ऐसा लगा कि हमारे रूम का दरवाज़ा मानो खुल रहा हो
और जब मैंने आंखें खोलकर ध्यान से देखा तो वाकई में दरवाज़ा खुला हुआ था। मुझे लगा कि शायद हवा के कारण ये दरवाज़ा खुला होगा, बट मैं गलत था। जैसे ही मैं ध्यान से देखने लगा तब एक काला साया मुझे अपनी आंखों के सामने रूम के अंदर आता हुआ दिखाई दिया। उसे देखने के बाद मैं उस वक्त इतना ज़्यादा डर गया था कि मेरे हाथ पांव वहीं सुन्न हो गए और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था, ना कुछ बोल पा रहा था। कुछ देर तक मैं ऐसा ही रहा और उसके बाद वो साया मेरे सामने ही गायब हो गया। रात में ही एक और घटना हुई। मेरी बहन जो कि सो रही थी, एकदम से उसे ऐसा फील हुआ कि मानो वो बेड एकदम से हिलने लगा हो, और कुछ देर के बाद उन्हें ऐसा भी फील हुआ कि वो बेड मानो हवा में उड़ रहा हो। उन्होंने मुझे बताया और मुझे उठाया भी, बट मुझे ऐसा कुछ ही फील नहीं हुआ था। सबसे ज़्यादा डरावनी और अजीब सी चीज़ तो बाद में हुई जब एकदम से ही सोते हुए वो नीचे ज़मीन पर गिर गए बेड से, और उन्होंने बताया कि किसी ने उन्हें धक्का दिया। उस टाइम पर उन्हें खिड़की पर दो हाथ दिखाई दिए जो कि उस कमरे की ओर इशारा कर रहे थे जो कि उस घर में सबसे आखिर में था। पहली रात में हमारे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हुई कि हम काफ़ी डर गए थे। अगले दिन हमने उस घर के बारे में वहाँ रहने वाले लोगों से पूछा और तब हमें पता लगा कि उस घर में पहले 7 लड़के रहा करते थे। वहाँ पर उनके घरेलू काम करने के लिए एक मेड आती थी, बट वो लड़के उनकी नीयत कुछ ठीक नहीं थी। एक दिन उन्होंने उसके साथ गलत काम करा और उसको मार के उसकी बॉडी को डंप कर दिया। उसके बाद अगले ही दिन वो सब कहीं भाग गए, पता नहीं कैसे, बट उस मेड के किसी रिश्तेदार को इस बारे में न जाने कैसे पता चल गया था। वो कहते हैं कि उसी ने उस घर में आकर कुछ काला जादू कर दिया था जिसके बाद से कभी भी वहाँ पर कोई रहने वाला टिक नहीं पाया और उसके साथ हमेशा कुछ न कुछ घटनाएं वहाँ पर होती। अगली घटना जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 27 अप्रैल 2022 की है। उस दिन मेरी नानी की डेथ हो गई थी। उनकी मौत 98 साल की उम्र में हुई थी। उनका अंतिम संस्कार सब कुछ विधि विधान से हुआ और पूरा दिन इन्हीं सब कामों में बीत गया। रात में जब घर लौटे तो देखा कि लाइट नहीं आ रही थी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए घर से बाहर निकल गए ये सोच के कि थोड़ा टहल लेते हैं। तब हमारा मन हुआ कि हम एक काम करते हैं, आम के बाग में खाट बिछा कर वहीं पर सो जाते हैं। यही सोचकर अपना बिस्तर वगैरह लेकर हम लोग आम के बगीचे में जाने लगे। वहाँ पर हम 3 लोग थे, मैं, मेरे मामा और गांव का ही एक और लड़का। जब हम वहाँ पर पहुँचने ही वाले थे तब अचानक से रास्ते में हमें एक परछाई दिखाई दी। बस अजीब बात यह थी, ये एक सफ़ेद परछाई थी। जब हम उसके थोड़ा करीब गए तो हमने देखा कि वो और कोई नहीं बल्कि हमारी नानी थी। हम सब लोग देखकर बहुत ज़्यादा डर गए थे उन्हें, बट वो जो लड़का था वहाँ पर वो बहुत बहादुर था। वो उनकी तरफ बढ़ने लगा और जैसे ही वो उनके बिल्कुल पास गया वो परछाई हमारी आंखों के सामने ही एक सांप में बदल गई और तेज़ी से कहीं गायब हो गई। हमें नहीं पता वो क्या था। हम लोग सीधा अपने घर आ गए और वहीं गर्मी में ही सोए। ये तीसरी घटना साल 2016 की है जब मैं गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के घर गया हुआ था। पिछली घटना में जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पर लाइट का इशू रहता था, इसीलिए हमने तब भी बगीचे में सोने का ही प्लान बनाया था। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि मेरे मामा का गांव दुधवा टाइगर रिजर्व से पास में है और नेपाल बॉर्डर भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, इसीलिए वहाँ पर तेंदुए और भेड़िया वगैरह का आना ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। रात होने के बाद बिस्तर वगैरह लेकर हम बगीचे की तरफ जाने लगे। वो बगीचा घर से लगभग 200-300 मीटर की दूरी पर होगा। वो रात भी अमावस की थी। वहाँ पर बाहर सोने के लिए हमारी नानी ने हमें काफ़ी बार मना किया, बट हमने उनकी बात नहीं मानी। हमारी जिद को देखते हुए उन्होंने हमें जाने की परमिशन दे दी, बट उन्होंने सोने से पहले मेरे पास मेरे हाथ में थोड़ा सरसों दे दिया था। हम लोग वहाँ पर पहुँचे और चारपाई डालकर लेट गए। बात करते करते ही कब आँख लग गई हमें पता ही नहीं चला, और आँख हमारी सीधा खुली सुबह के 3 बजे। आँख खुलने का कारण था एक चीख। मैंने उठ के देखा तो सामने से कोई चीखता हुआ हमारी तरफ ही आ रहा था। मैं ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। ध्यान से देखने पर पता लगा वो एक औरत थी जो कि दौड़ते हुए हमारे पास आ रही थी। चीखते चीखते वो लगातार आगे बढ़ रही थी और हमसे कुछ दूरी पर आकर वहीं रुक गई। वो थोड़ा दूर से ही बोली, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है।
पता नहीं क्यों, पर उसकी बातों ने एक तरीके से मुझे अपने सम्मोहन में कर लिया था। मैंने अपने पास रखी पानी की बोतल उसकी तरफ बढ़ाई और उसी दौरान मेरी नज़र उसके पैरों पर गई और इस देखते ही मेरे होश वापस आ गए कि उसके पैर उल्टे हैं। मेरी हालत ऐसे हो गई थी कि मानो काटो तो खून भी ना निकले। मैंने मुंह उठाकर उसकी ओर देखा तो उसका चेहरा अब बेहद भयानक हो गया था और वो एकदम बदली आवाज में बोली, अब तेरा कलेजा खाऊंगी आज। उसके सर पर एक भी बाल नहीं था और उसका चेहरा बहुत भयानक था। इस दौरान ही मेरे मामा का लड़का भी उठ गया था, बट जैसे ही उसने उस चुड़ैल को देखा वो वापस से बेहोश हो गया। वो चुड़ैल लगातार मुझे गंदी गंदी गालियां दे रही थी, इतनी गंदी कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। तब मेरी नज़र साइड में पड़े एक लोहे की रोड पर गई। मैंने जैसे तैसे अपनी हिम्मत को इकट्ठा करा और एक झटके में मैंने उस रोड को उठा लिया और उस चुड़ैल पर वार कर दिया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और तब मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मौके का फ़ायदा उठाकर मैं वहाँ से भागा नहीं और वहीं खड़ा रहा। तब एकदम से ही उस चुड़ैल का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया और आप मानेंगे नहीं, उसने एकदम से मुझे उठाया और मुझे उठाकर ज़मीन पर तेज़ी से पटक दिया। उसके बाद मेरे सीने पर आकर बैठ गई और बड़ी भयानक तरीके से हंसने लगी, आज मरेगा तू। अब उसने अपना मुंह खोला और जैसे ही उसने अपनी जीभ मेरी छाती के पास को लगाई एकदम से ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगी मानो उसके शरीर में आग लग गई हो। कुछ ही सेकंड में वो हमारी आंखों के सामने से गायब हो गई। तब मैंने अपनी छाती पर हाथ लगाकर देखा तो वहां पर शिव जी का एक लॉकेट था। इसके अलावा मेरे गले के पास में थोड़ा भभूत भी लग रहा था जो कि शायद मेंढानी ने मेरे सोने के बाद मेरे को लगाया था। इस घटना के बाद 3 दिन तक मुझे लगातार बुखार रहा। हमारे घर पे पुजारी आए और उन्होंने पूजा वगैरह करी, उसके बाद जाकर मेरी तबीयत ठीक हुई। बट इस घटना ने एक डर मेरे अंदर हमेशा हमेशा के लिए बिठा कर रख दिया। ये घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आज से लगभग 4 साल पहले की है। उस टाइम पर ये घटना बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुई थी हमारे शहर में। कुछ कारणों से मैं आपको जगह का नाम नहीं बता सकता, बस इतना बताता हूँ कि मैं आंध्र प्रदेश का रहने वाला हूँ। अभी जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीकों से सुनाया है। कुछ लोग इसका कुछ डरावना मतलब निकालते हैं तो कुछ लोग अपने ही हिसाब से। आप इसको किस तरीके से समझते हो ये मुझे इस घटना को जानने के बाद ज़रूर बताइएगा। तो ये घटना थी निकिता, जिसका नाम निक्कू था, इस लड़की की। निक्कू शहर में अकेले अपने कंपनी के द्वारा अलॉट करे हुए अपार्टमेंट में अकेले रहा करती थी। वीकेंड्स पर उसे शॉपिंग करने के लिए पास ही के मॉल में जाना बहुत ही पसंद था। अब चूंकि उसे शॉपिंग का शौक था इसलिए वो अच्छा खासा सामान ले लेती थी और इसी कारण वो एस्केलेटर कम और एलिवेटर ज़्यादा यूज करती थी। अब जब वो एलिवेटर के पास पहुंची तो उसने देखा कि लिफ्ट बस जाने ही वाली थी, अक्सर तो वो पूरी भरी रहती थी पर आज उसमें एक जने की खड़े होने की जगह उसे दिखाई दे रही थी। इसीलिए अंदर शायद लिफ्ट में जो लोग खड़े थे उन्होंने निक्कू को अंदर आने के लिए कहा। इसके बाद जैसे ही एक औरत ने निक्कू को अंदर आने के लिए कहा निक्कू एकदम से चौंक गई और वहीं पर खड़ी रह गई क्योंकि उसे एक देजा वो वाली फीलिंग आ रही थी, यानी कोई ऐसी फीलिंग कि उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि ये सब पहले भी हो चुका है। अक्सर आप और हम भी इस फिनोमिना को फील कर चुके हैं। अब निक्कू खड़ी खड़ी यही सोच रही थी कि ये उसके माइंड में एकदम से क्या आया। वो अब तक अंदर गई नहीं थी कि तभी उससे पहले ही पीछे से किसी ने उसे थोड़ा साइड को धक्का दिया और वो सीधा जाके लिफ्ट के अंदर चली गई। वो एक औरत थी जो कि शायद काफी जल्दी में लग रही थी, थोड़ी परेशान थी जैसे कि उसकी आखिरी ट्रेन छूटने वाली हो। और जैसे ही वो लड़की एलिवेटर के अंदर गई लिफ्ट पूरी तरह से फुल हो गई थी। निक्कू लिफ्ट के बाहर ही ये देखती रही और एलिवेटर का दरवाजा बंद हुआ और लिफ्ट नीचे जाने लगी। तभी अचानक से ऐसा लगने लगा मानो कि लिफ्ट में कोई प्रॉब्लम थी और एक अजीब सी आवाज कुछ टेक्निकल मेलफंक्शन की वहां पर आने लगी और ये आवाज निक्कू ने भी सुनी।
निक्कू अभी तक यही सोचने की कोशिश कर रही थी कि उसे इतना अजीब क्यों लग रहा है, और अभी उसे एकदम से काफी बुरी सी फीलिंग आने लगी, मानो ऐसी कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। और तभी एकदम से उसके माइंड में सारी बात एकदम से आ गई। उसको वो सपना याद आ गया जो उसने ठीक आज से 2 दिन पहले देखा था। दरअसल उसका घर मॉल से ज्यादा दूर नहीं था, उसका घर भी एक बड़ी सी अपार्टमेंट बिल्डिंग में था, इसलिए वहां पर भी एलिवेटर्स थे। निक्कू पास ही की एक कंपनी में एज ए सेक्रेटरी जॉब करती थी। देर रात में निक्कू सोई हुई थी, और जब वो सो रही थी तो उसने वो सपना देखा। ये सपना इतना असली लग रहा था कि उसने एक आवाज सुनी कि कोई उसे बुला रहा है। निक्कू ने पाया कि वो अभी अपने कमरे में ही है, पर नीचे से कोई है जो कि काफी तेज तेज हॉर्न मार रहा है और उसे गाड़ी के अंदर बैठने के लिए कह रहा है। निक्कू अपने कमरे की खिड़की के पास गई तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर एक छोटी वाली ट्रेवलर साइज की बस खड़ी हुई है। निक्कू बाहर ये देखकर कंफ्यूज हो गई कि इस समय पर, रात के इस समय पर, वो गाड़ी उसके घर के बाहर क्यों खड़ी हुई है। पर उसने देखा कि वो बस लगभग स्टार्ट हो चुकी थी और बस ऐसा लग रहा था कि वो निकलने ही वाली थी। इसके अलावा उसने देखा कि बस के अंदर जो लोग बैठे थे वो बार बार उसे बुला रहे थे, पर उसे ये नहीं पता था कि वो आखिर कहां जाने के लिए ऐसा कर रहे थे। निक्कू समझ नहीं पा रही थी कि वहां पर हो क्या रहा है। वो सोच ही रही थी और बार बार उसे बाहर से आवाज आ रही थी, जल्दी आओ, अंदर बस एक आदमी की जगह है, ये आखिरी सीट है। और ऐसा लग रहा था कि मानो उस गाड़ी में सभी लोग एक अलग ही तरह की जल्दी में हो। वो बस निक्कू को अंदर बुलाने के लिए फोर्स कर रहे थे। उस गाड़ी में लाइट काफी डिम थी और उसे किसी का भी चेहरा साफ से दिखाई नहीं दे रहा था, बस परछाइयां दिख रही थी और उसे ऐसा लग रहा था कि वो सारी परछाइयां उसे उस खिड़की से देख रही हूं। सपने में निक्कू ऐसा महसूस कर रही थी कि वो किसी चीज को ढूंढ रही है, और उसने जवाब भी यही दिया कि वो बस आ रही है। और आखिरकार हुआ ये, निक्कू अपना सारा सामान लेकर ठीक से तैयार होकर अपार्टमेंट से नीचे गई, और उसके बाद वो गाड़ी में बैठने के लिए आगे बढ़ने लगी। गाड़ी में एक औरत बैठी थी जो कि शायद सोच रही थी कि अगर निक्कू नहीं बैठ पाई और वो गाड़ी पहले ही चल गई तो क्या होगा। पर उसे इस समय पर किसी की आवाज सुनाई दी। ये आवाज उसके पीछे से आई थी और वो जोर जोर से चिल्ला रही थी और कह रही थी कि मुझे भी अंदर आना है। उसने देखा कि वो औरत भागते हुए आई, और इससे पहले कि निक्कू गाड़ी तक पहुंच पाती वो गाड़ी के अंदर बैठ गई, और जो उस गाड़ी में आखिरी सीट बची हुई थी जो कि निक्कू की होने वाली थी वो उस पर बैठ गई, और उसके बाद वो गाड़ी एकदम से आगे बढ़ गई। निक्कू को ऐसा लग रहा था कि वो कुछ चीज खो चुकी है, और उसने पता नहीं क्यों उस कार के पीछे जाना चाहा, और वो देखने की कोशिश करने लगी कि वो कार आखिर कहाँ जा रही है। पर जब उसने उस कार को ध्यान से देखा थोड़ा करीब जाकर, तो वो चक्कर खाकर वहीं गिर गई। उसने देखा कार के अंदर जितने भी लोग बैठे थे उनमें से एक भी इंसान जिंदा नहीं था। उन सभी ने एक साथ अपनी गर्दन उसकी तरफ घुमाई और उसे देखकर अजीब ढंग से, शैतानी ढंग से मुस्कुराने लगे। उसने देखा कि वो 8 लोग थे और सभी के सभी खून में सने हुए। कुछ के चेहरे पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके थे, कुछ की तो आंखों के कंचे भी बाहर को गिर गए थे। वो लोग जानते थे कि निक्कू उन्हें देख रही है, और वो भी उसे ही घूर रहे थे। जैसे ही निक्कू ने ये सब देखा, वो इस बुरे सपने को देखकर फौरन जागी। अब जब निक्कू मॉल में खड़े खड़े इस सपने के बारे में सोच रही थी तो उसे लगा कि ये तो काफी ज्यादा असली है। उसके सपने का वो बस वाला सीन और ये एलिवेटर वाला जो इंसिडेंट इसके साथ अभी अभी हुआ वो बिल्कुल सेम था, लगभग सेम। वो भी ये बात सोच ही रही थी कि अचानक से लिफ्ट से काफी तेज आवाज आई और काफी तेज चीख उसे सुनाई दी, और उसके बाद एक काफी तेज आवाज आई, इतनी तेज कि शायद वो आवाज
मॉल में हर एक इंसान ने सुनी होगी, मानो कोई बम फट गया हो। सब लोग काफी चिल्लाने लगे और मॉल में अफरा तफरी मच गई। निकू को फाइनली इस बात का यकीन हो गया कि जो उसने सपना देखा था वो रियलिटी के ऊपर कोलैप्स हो गया है। वो लगभग समझ गई थी कि इस जगह पर क्या हुआ है और वो जानती थी कि उस लिफ्ट का बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ है। निकू थोड़ी देर तक तो बस खड़ी रही और जब वो पैनिक करी तो भाग कर वो हॉलवे में गई और नीचे देखने लगी, छठे माले से नीचे। उसने देखा नीचे कई सारे लोग एक जगह पर आकर भीड़ बना चुके हैं और सब लोग एलिवेटर के पास जा रहे हैं। इसके बाद ज़्यादा देर नहीं लगी जब वहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ और एम्बुलेंस आ गई। लिफ्ट की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी और जैसे तैसे जब लिफ्ट का दरवाज़ा खोला गया तो अंदर देखा गया कि अंदर लोगों का मांस और खून बस एक साथ मिक्स होकर पड़े हुए हैं और लोगों के अंग इधर उधर दीवारों पर लिफ्ट की चिपके पड़े हैं। लिफ्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा खौफनाक मंजर था और लोगों की लाशें बिल्कुल उसी तरीके की थी जैसे कि निक्कू ने अपने सपने में देखा था। ये देखकर निक्कू के होश उड़ गए। जब से उसने ये चीज़ देखी वो चुपचाप अपने घर आ गई और उसके बाद से काफ़ी समय तक ना तो वो दोबारा मॉल में गई और उसने काफ़ी समय तक लिफ्ट का यूज़ भी नहीं करा। जैसे जैसे ये बातें फैली सभी लोग हैरानी पड़ गए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ कहते हैं कि निक्कू झूठ बोल रही है तो कुछ कहते हैं कि ये बात बिल्कुल सच है और ये एक काफ़ी ज़्यादा खौफनाक घटना है। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझे कमेंट्स के ज़रिए बताएं। अब बढ़ते हैं आज की अपनी अगली घटना की ओर। ये घटना जिन्होंने बताई है आइए अभी से उन्हीं के शब्दों में जानते हैं। मेरा नाम मनीष है और मैं हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। ये घटना जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 6 साल पुरानी है और ये हमारे गांव में सबसे ज़्यादा प्रचलित कहानी है। दरअसल उस समय पर हमारा गांव जो कि एक पहाड़ के नज़दीक है जिसमें कि एक घना जंगल है, वहाँ पर उस साल में एक पार्क रेंजर को अलॉट किया गया था। उसका काम सिंपल था, बस सुबह और शाम को वहाँ पर पूरे जंगल में एक बार चक्कर मारना और उसके बाद वापस अपने शेल्टर में जाके बैठ जाना। उसका असली नाम तो कुछ और था पर सब गांव वाले उसे चिंटू कहकर बुलाते थे। उसकी सैलरी भी अच्छी थी इसीलिए अपने गांव को छोड़कर वो इस गांव में इस काम को करने के लिए आया था। पर एक दिन कुछ अजीब हुआ। चिंटू शाम के समय जंगल में चक्कर लगाने के लिए गया पर वो रात में वापस आया ही नहीं। अब क्योंकि वो लगभग 3 महीने ऑलरेडी जॉब कर चुका था इसलिए हमारे गांव में उसके बहुत सारे जान पहचान वाले बन गए थे और जब उन लोगों ने इस बात को देखा कि उसका शेल्टर खाली है तो वो लोग थोड़ा परेशान होने लगे। अगले दिन सुबह सुबह ही सब लोग उसे ढूंढने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। चिंटू को सब लोग ढूंढते रहे और वो मिला दोपहर के बाद, पर जिस जगह पर वो मिला था वो जगह कुछ अजीब थी। दरअसल वो एक पुराना पुण्य स्थान था जहां पर गांव के कई लोग आकर पूजा भी करते थे कभी कभी। एक और अजीब बात ये थी कि जिस समय चिंटू को गांव वालों ने ढूंढा वो बेहोशी की हालत में था। उन लोगों ने काफी कोशिश करी, पानी का इस्तेमाल किया, तब जाकर उसे होश आया और जब सब लोगों ने देखा कि वो ठीक है तो सब ने राहत की सांस ली। हालांकि उठने के बाद चिंटू काफी कमजोर लग रहा था और सब लोगों को काफी कंफ्यूज तरीके से देख रहा था। वो काफी ज्यादा चौंका हुआ था जो उसके साथ हुआ है इस बात से। कुछ देर तक वो ऐसे नॉर्मली बात करता रहा और मानो उसे एकदम से वो चीज याद आई और उसने सबसे पूछा, हरीश कहाँ है? हरीश? सबसे पहले तो चिंटू की बात सुनकर सब लोग हैरान से हुए, लेकिन जब चिंटू ने अपने साथ हुई घटना के बारे में उन लोगों को बताया सभी लोग एकदम से डर गए और सब लोग इस तरीके से रिएक्ट करने लगे जैसे
कोई बहुत ही ज़्यादा अजीब चीज़ हो गई हो। वो लोग सोचने लगे कि वो जो बोल रहा है वो तो हो ही नहीं सकता। लेकिन उसकी पूरी बात को सुनने के बाद गांव वाले सब समझ गए कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। चिंटू के अंदर एक आदत थी कि वो अपने काम को काफ़ी ज़्यादा लगन से करता था। वो हमेशा ही डेली सुबह और शाम को पूरे जंगल वाले एरिया का राउंड मार के आता था और उसके बाद ही खाना खाता था। बीती रात भी वो ऐसा ही कर रहा था। वो जंगल में अंधेरा होने के बाद घूम रहा था और देख रहा था कि सब कुछ ठीक है या फिर नहीं। लेकिन एक बात और थी, उसको एक बुरी आदत थी सिगरेट पीने की। पर उसूलों का वो पक्का था, काम के समय काम ही करता था। तो जब उसने अपने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया तो एक जगह देखकर वो जगह पर जाकर बैठ गया और उसके बाद उसने अपने जेब से लाइटर और सिगरेट निकाला जो उसने घर से चलते वक्त बीच में रास्ते में पड़ी दुकान से लिया था। और उसके बाद उसने उस सिगरेट को जला लिया और कश लेने लगा। उसी समय पर उसे महसूस हुआ कि उसे टॉयलेट करना है और इसीलिए वो साइड में एक झाड़ी के पास चला गया और अपना काम करने लगा। उसी समय उसे एकदम से ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे से जा रहा है, यानी कि गुजर रहा है। और जैसे ही चिंटू ने अपनी गर्दन घुमाई उसने देखा कि एक आदमी जिसका उसे बस साया दिख रहा था वो जंगल के अंदर कहीं जा रहा था। पहले तो उसे समझ नहीं आया कि इस समय पर कौन यहाँ पर आया है। उसने तेजी से चिल्लाकर पूछा कि कौन है और वो इस समय यहाँ पर क्या करने आया है। उस आदमी ने उसकी बात सुनी और वो रुक गया और उसके बाद उसने अपनी गर्दन घुमाई और चिंटू को देखने लगा। अंधेरा हो रहा था इसलिए उसे साफ साफ उसका चेहरा तो नहीं दिख पाया, पर उसने उसका आधा चेहरा देखकर ही पहचान लिया कि यह और कोई नहीं बल्कि हरीश था, जो कि इस गांव में उसका काफ़ी समय से अच्छा दोस्त रहा है। यहाँ तक कि उसकी जगह पर जॉब लगवाने में भी उसका अच्छा खासा हाथ था। पर यह किसने सोचा था कि उसका पक्का दोस्त हरीश उसे इस जगह पर देखकर पहचानेगा भी नहीं और सीधा आगे बढ़ने लगेगा। उसने बस उसके चेहरे को देखा और वापस से घूमा और आगे बढ़ने लगा। अपने दोस्त को इस तरह से इग्नोर करता पाकर चिंटू को काफी अजीब लगा। वो समझ नहीं पाया कि आखिर उसे क्या परेशानी है और इसीलिए वो उसके पीछे पीछे जाने लगा अपनी बेल्ट को एडजस्ट करता हुआ। लेकिन कोई फायदा नहीं कि वो उसके कितना पीछे जाए और कितना उसे पर चिल्लाए, उसे बुलाए, पर वो बस उसकी बात को इग्नोर कर रहा था और आगे बढ़े जा रहा था। उसका सिर नीचे को झुका हुआ था और वो ऐसे चल रहा था जैसे उसे कुछ सुनाई या दिखाई दे ही ना रहा हो। सबसे अजीब बात तो ये थी कि भले ही वो हरीश काफी धीमी स्पीड पर चल रहा था और चिंटू तेजी से जा रहा था, पर वो उसके पास नहीं पहुंच पा रहा था। उन दोनों के बीच की दूरी मानो बस एक बराबर आकर रुक गई थी और ये ऐसे ही चली जा रही थी। चिंटू ने देखा चलते चलते वो लोग पहाड़ के लगभग ऊपर वाले हिस्से में आ गए हैं और तब उसने देखा कि आसपास कुछ धुंध जैसा इकट्ठा हो रहा है और इस समय पर हरीश जो कि कब से उसके सामने चल रहा था वो रुक गया। उस समय पर उसने देखा कि हरीश पीछे को घूमा और उसने हाथ से मानो ऐसा इशारा किया कि वो रुक जाए। लेकिन एक और अजीब बात यह थी कि उसके हाथ काफी धीरे धीरे हिल रहे थे और ये उसे काफी अजीब लग रहा था। वो जोर से उसे बोलने लगा कि तुम किस तरह का बर्ताव कर रहे हो। तब एकदम से उसके आसपास की धुंध धीरे धीरे कुछ कम सी होने लगी और उस टाइम पर उसने देखा कि जिस जगह पर हरीश खड़ा है उसके पीछे एक पुण्य स्थान है। उसने देखा हरीश एकदम से उसकी तरफ मुड़ा और उसे अपने हाथ से ऐसा इशारा किया जैसे वो उससे विदा ले रहा हो और उसके बाद वो उस पुण्य स्थान के अंदर चला गया और देखते ही देखते उसकी आंखों से ओझल हो गया। पहले तो चिंटू को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ, पर अब उसे इतना समझ में आ चुका था कि चीजें उतनी सीधी नहीं है जितना कि उसे लग रहा था और वो फौरन ही उस पुण्य स्थान के अंदर आया और अंदर आकर उसने देखा कि उसके सामने बस एक मूर्ति थी और
आसपास इतनी जगह भी नहीं थी कि एक जिंदा आदमी कहीं गायब हो जाए। अब चिंटू ने बताया कि उस जगह पर जाने के बाद एकदम से ही उसके हाथ पांव धीरे धीरे कांपने लगे, और जब उसने अब उस मूर्ति की तरफ देखा तो उसे काफी ज्यादा अजीब लगने लगा, और ऐसा लगने लगा कि उसके साथ कुछ अजीब हो रहा है। इसके बाद उसने बताया कि उसे धीरे धीरे चक्कर आने लगे और उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। अब वो एक बार फिर से हरीश को आवाज मारना चाहते थे, पर अब उसके मुंह से अब आवाज भी नहीं निकली और धीरे धीरे वो वहीं पर बेहोश हो गया। ये सारी बात बताने के बाद चिंटू अपने आसपास के लोगों को इस नजर से देखने लगा कि उनके पास शायद उसका कोई जवाब होगा, पर उसने उल्टा पाया कि अब कोई उससे ठीक से बात नहीं कर रहा था। और चिंटू जब सबसे पूछ रहा था कि क्या बात है तो बोल रहे थे, गांव जाने के बाद तुम्हें खुद पता चल जाएगा। ये बोलने के बाद सभी लोग अपने अपने घरों की तरफ चल दिए। इसके बाद चिंटू जैसे ही गांव में आया तो उसने देखा कि हरीश के परिवार में मातम छाया हुआ था। जब उसे उस जगह के बारे में पता चला तो वो और ज्यादा हैरान और परेशान हो गया। उसे पता लगा बीती रात हरीश काम पर से घर आ रहा था और बीच रास्ते में ही उसे एक हार्ट अटैक आया और वो मर गया। अब क्योंकि चिंटू पहाड़ों में अपनी पेट्रोलिंग के लिए गया हुआ था इसीलिए उसे इस बारे में पता ही नहीं चला। तो लोग कहते हैं कि उस रात हरीश आखिरी बार अपने दोस्त को विदा देने के लिए आया था। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो मुझे नहीं पता, पर आप इस पे कितना यकीन करते हैं वो मुझे कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताना।